दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के चलते उनकी बेल नहीं हो सकी। 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को वैध बताया था। कोर्ट ने कहा था कि ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ना ही बिना कारण है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यह याचिका एडवोकेट विवेक जैन के जरिए दाखिल की गई थी। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड के सामने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सेक्शन 45 के तहत 3 जमानत आदेश हैं और यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के हैं। सीजीआई चंद्रचूड ने सीजीआई से कहा ईमेल भेजिए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दी थी कि वह 90 दिनों से जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले ही 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए जमानत दी है कि वह 17 महीने से जेल में बंद है और जल्द ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है, क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी जल्द ही कोई बड़ी राहत, कोई खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी।